मैं लड़ायो हथोड़ दे ठोक बाड़ो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान की साफ सफाई जो मैंने आपको बताया था वही करने के लिए। और अब तो अपने सिर्फ और सिर्फ 26 दिन बाकी हैं 1 ईयर कंप्लीट होने में। प्लीज़ यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। मैं देख रहा हूँ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है, बट फिर भी अभी 1K से बहुत दूर हैं और दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए। तो सफाई करने से पहले मैं काट लेता हूँ खीरा, नारायण लक्ष्मी को खाना दे देते, उसके बाद काम करते हैं ताकि हमें रुकना ना पड़े। हाँ तो ये दोनों तो अपना खाना खा रहे हैं, अब मैं चलता हूँ दुकान के अंदर, इसकी साफ सफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे आखिर में करनी तो पड़ेगी। तो ये रही भैया, सारा फर्नीचर निकालना है बाहर, सारा सामान बाहर, चलो निकलो यहाँ से। ये सारा सामान और ये बोरा, पूरा का पूरा सामान उस बोरे में डालने का विचार है मेरा। पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ इसमें आ चुका है, 3-4 बॉक्स खाली हो चुके हैं। तो अभी मुझे लगता है 2-3 बोरे और भरेंगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद अब लगी है भूख, तो मेरा खाना आ चुका है, खा लेते हैं खाना। तो हमारे हनिष्का को देखो, दही खा रही है, दही। बच अब तो कमा कम हो गया। तो अब तो हमने सारा फर्नीचर भी बाहर निकाल दिया है। ये देखो, ये दोनों रेक हैं, वो है अपना काउंटर, ये लोहे वाली रेक और ये उसकी पलाइयां। तो अब हमारी दुकान कुछ ऐसी नजर आ रही है। हेलो, पूरी गूंज रही आवाज, पूरी खाली खाली। अब खाली एक ये फ्रिज और ये शक्कर का क्या कहते हैं ड्रम, इनको बाहर निकालना है। बाकी पूरी की पूरी दुकान खाली। यहाँ पे एक रेक थी, एक रेक यहाँ पर थी, काउंटर था यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हमने बाहर निकाल दी है और अभी भी ये छोटा मोटा सामान है जो शाम को पापा आएंगे कौन सा सामान कहाँ रखना है, इस वजह से मैंने हटाया नहीं है। जैसे पापा आएंगे शाम को फिर उनसे पूछ के हटा देंगे। कल संडे भी है तो पापा से पूछ के काफ़ी सारा काम भी हो जाएगा, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। तो ये अभी आया है नवीन हमारे पास, ये देखो ये बैठा है, कह रहा है कैरम खेलेंगे, चलो खेलते हैं। बहुत दिनों बाद इस कैरम बोर्ड को छेड़ा है तो काफ़ी सारे पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी आज, जो कि मेरे पास हमेशा शायद मिल ही जाता है। तो ये है मेरा फेवरेट पासा, एकदम रेडी। ये जो नीचे की दो वाइट है ना, ये इनको हमने क्या कर रहा है, काला कर दिया है। ये वाइट है लेकिन हमने इसको मार्कर से काला किया, देखो। और ये आ गई सबकी मनपसंद, मन भरी 50 कॉइन नवीन के पास देखो और मेरे पास देखो। अभी तरक्की होगी रे बाबा, तरक्की होगी। लो भाई, तो मैं गया था हिमांश को लेने के लिए। हिमांश आ चुका है, कल है हिमांश का संडे। क्या है कल? कल
इधर देख के बोलो। मंगलवार नहीं है, कल हिमांश का संडे। बेचारा पूरे हफ्ते संडे का इंतजार करता, रोज कहता आज मेरा संडे है। अभी वो था ही नहीं साइकिल ठीक करने वाला। पापा आए तो इसकी खुशी देखो। कौन आया? कौन आया? तो मैं आया हूँ हिमांश की साइकिल सही करवाने के लिए। उसकी उसने चेन फ्री कर लिया है, ये देखो। बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मिस्त्री के पास लाना पड़ा। पकड़ भेड़ा तो आपको आना तो पड़ेगा। हम करवा रहे हैं हिमांश की साइकिल सही, चेन तोड़ दी उसने उसकी। ठीक रहो कहीं करे। बताइए ना एकदम दमका जो बार लड़ाई कर रहा है। तो आएगा ना दे लड़ाया दे इन खून ने यो बहने के पेंट फड़े यो लला मां क्या ला। हां मैं लड़ायो, मैं लड़ायो। मैं बारे ठोका न ला मुझे तेरे हाथ तोड़ दे ठोक बालो। वो ये करंट टाइम से भी नहीं। उतर गए। चल रहा है साइकिल, चलाओ फिर। घर किधर है? घर तो आज हमारे घर में बन रहा है खाने में आलू के पर। क्या खा रहा है मान? पिज्जा। पिज्जा खा रहा है? कैसा लग रहा है? ये पिज्जा कैसा लग रहा है? अच्छा। तो अभी ले जा रहे हैं मौसी के यहाँ पर भी पराठे गर्मा गर्म चले जाएंगे, ताकि मौसी लोग खा ले में गर्मा गर्म पराठे। सरोज तो यहाँ है नहीं, तो वो इस बार अपनी भाभी के हाथ के पराठे नहीं खा पाएगी। मैं आ गया हूँ मौसी के घर पे पराठे पकड़ा के वापस, और अब मेरे को खुद को भूख लगी, इसलिए मैं तो खुद दौड़ते हुए आया हूँ। तो अब अपन के भी खाना खाने की बारी आ चुकी है, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, क्योंकि आलू के पराठे बने हैं तो जल्दी से खाने तो बनता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल कुछ खुशी में ज़्यादा आलू के पराठे खा लिए और सो गया मैं, तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाया, ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया। तो अभी करूँगा मैं एडिटिंग, और जल्दी ही अपने टाइम पर अपलोड भी कर दूँगा। तो आज जब मैं नया व्लॉग चालू करूंगा, तब सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बाकी रहेंगे इस व्लॉगिंग चैनल को 1 ईयर कंप्लीट होने में। तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, जिससे कि मेरे को सपोर्ट मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।